तुमने मेरे साथ गलत किया है गीतांजलि देवी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ठीक है, जो कीमत है हम चुकाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारे आरव को कुछ नहीं होने देंगे। जय मां दुर्गा। आप क्या कर रही थी? क्या करें आप? क्या करें हम? हमारी आंखों के सामने हमारे किए की सजा हमारे पोते आरव को कैसे झेल लेते? अगर हमारे कर्मों की सजा उसकी कीमत मौत है तो वो हम चुकाएंगे, हमारे बच्चे नहीं। नहीं बड़ी मां, किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन प्लीज बड़ी मां, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि मौत इस तरह हमारे घर का रुख करके खड़ी? प्लीज बताइए बड़ी मां, क्या हुआ था? सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे साथ हमारे पति की जान। सच मानिए, जो कुछ हुआ हमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन चले गए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हर गलती की सजा निश्चित है गीतांजलि, भले कानून ने तुझे माफ कर दिया हो पर अपने कर्मों की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी गीतांजलि। सजा कैसे साध्वी जी? गुनाह के बदले सजा, यही एक सच है और यही संसार का नियम। हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे बहुत छोटे, वो बस इस लायक बन जाए कि खुद को संभाल सके, फिर जिंदगी हमें जो सजा देगी हमें मंजूर है। हम बस जिंदगी से थोड़ा वक्त, थोड़ी मोहलत मांग रहे हैं साध्वी जी। ये कर्मों का हिसाब भी बहुत टेढ़ा होता है, आज टालोगी तो बाद में ब्याज के साथ चुकता करना पड़ेगा। हम एक माँ है, हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। बस ये बुरा वक्त बन जाए, हमारे बच्चे समझ जाए, फिर सच मानिए साध्वी जी, हम खुद आपके पास आएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, फिर ब्याज समेत जिंदगी हमें जो सजा देगी हमें कबूल है, हम खुद आएंगे आपके पास। तुम नहीं आओगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा और बुलावे को तू टाल नहीं पाएगी गीतांजलि। पाप को दबाना नहीं चाहिए, लेकिन तू कहती है तो जा। दिया तुझे वक्त मैंने, पर एक दिन तुझे इसका हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। इन्हीं हाथों से हमने हमारे गोपीचंद जी की जान ली थी, जाने अनजाने खुद ही अपना सुहाग उजाड़ लिया था हमने। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती, और उससे भी बड़ी गलती ये हो गई कि हम अपना वादा ही भूल गए। हम अपनी जिंदगी के चक्करव्यूह में ऐसे फंसते चले गए कि हमें कुछ याद ही नहीं रहा। पहले हमारे बच्चों के मुंह ने हमें रोक रखा,
फिर उनके बच्चों के मुंह ने, और जिंदगी का पहिया चलता गया और हम आगे बढ़ गए। लेकिन जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता। और सिमर, हमें तो जिंदगी में आगे इतना बढ़ना ही नहीं था, हमें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसे टाला। और आज देखो, हमारे कर्मों की सजा हमसे सूद वसूलने आई है, हमारे किए की सजा हमारे आरव को झेलनी पड़ रही है, उसकी जान पर बनाई है। अगर हमारे गुनाहों की सजा मौत है तो हमें मरना ही होगा सिमर, ताकि कहानी एक बार के लिए खत्म हो जाए, हमारे परिवार बन जाए, हमारे हमारे आरव पर से बना चल जाए। उसके लिए हमें मरना ही होगा, हमें मरना ही होगा। नहीं भाड़ी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मैं आरव जी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनके जीवन के लिए अगर मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े ना भाड़ी, तो मैं लड़ूंगी, उन्हें बचाऊंगी बड़ी माँ, और आपको भी। लेकिन हमसे गुनाह तो हुआ है ना बेटा। नहीं भाड़ी, एक अनहोनी थी, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी बड़ी, बिना कानून आपको कभी माफ नहीं करता। और अनजाने में किए हादसे के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती बड़ी माँ। आज एक वादा करते, आप आरव जी की बड़ी माँ और मैं आरव जी की पत्नी, हम दोनों एक दूसरे से ये वादा करते कि हम आरव जी को हर अनहोनी से बचाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, और आप खुद को कोई हानि नहीं होने देंगे। वादा कीजिए बड़ी माँ। वादा करते हैं कि हम दोनों मिलकर अपने परिवार की रक्षा करेंगे, और आरव पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। सिमर का आपसे वादा है आरव जी, वो आपको हर हाल में सुरक्षित रखेगी। परिस्थितियां भले ही हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी आरव जी। आरव जी, ये लॉकेट आपने मुझे पहनाया था ना, मेरी सुरक्षा के लिए। आज ये लॉकेट मैं आपको पहना रही, मेरी माता रानी का लॉकेट, आपकी सुरक्षा के लिए। हे माता रानी, आज आपका ये सिंदूर मेरी रक्षा करेगा, मुझे मेरे परिवार को बचाने में मेरा साथ देगा। जय मां दुर्गा।